हेलो फ्रेंड्स, रिलायंस पावर का आज का मार्केट का हम बात करेंगे। आज का मार्केट डेफिनेटली देख सकते हो डाउन सर्किट में आया है, काफ़ी दिन से डाउन सर्किट में ही आ रहा है। तो आज हम ग्राफ एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे आज का मार्केट क्या रहने वाला है और कल का मार्केट यानी कि मंगलवार का मार्केट जो है वो क्या रहने वाला है। और ये जो मार्केट है, अभी ग्राफ आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन सर्किट आ रहा है, तो अभी हम बताऊँगा कि डाउन सर्किट क्यों आ रहा है और अपर सर्किट जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आज का मार्केट कितना भी ओपन हुआ था वो भी दिख जाएगा और क्लोज मार्केट भी दिख जाएगा, जबकि क्लोज मार्केट से थोड़ा अपर सर्किट में आज का मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, ये तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब बात करते हैं, जब मार्केट ओपन हुआ था तो ओपन के वक्त से ही आप देखोगे ग्राफ में कोई भी तेजी यहाँ पर दिखाई नहीं मिला था। सबसे पहले यहाँ पर डाउन आया था, ठीक है, अच्छा खासा डाउन आया था। डाउन आने के बाद यहाँ पर ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि यहाँ बच रहा था करीब आपका 12.5 तक। यहाँ पर आप देखोगे तो डेफिनेटली ग्राफ में चेंजेस जो है वो उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्केट में कितना ज़्यादा तेज़ी आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तेज़ी जो है मिडिल पॉइंट में कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये इतना बड़ा तेज़ी कितना कैसे आ गया था, जबकि यहाँ पर मार्केट जितना पे ओपन हुआ था उतना पे ही यहाँ पर तेज़ी दिखाई दिया था 14.50 और यहाँ पर भी 14.50। तो ये क्यों आया था और यहाँ पर से फिर से डाउन सर्किट ये क्यों हुआ, तो समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक उठने की कोशिश किया, जब तेज़ी आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तेज़ी आया था, तो यहाँ पर हम बता दूँ कि क्यों हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट डाउन आ चुका था यहाँ पर आप डेफिनेटली देख सकते हैं कितना रुपीस हो गया था, 13.95 हो गया था। ठीक है, तो इतना डाउन सर्किट आते ही लोग क्या किया, यहाँ पर बाई करने लगा, यानी कि शेयर खरीदने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है। चलिए हम 3D ग्राफ दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये देखिए यहाँ पर आज का मार्केट जब ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद अभी जो टाइम है, अभी 2:50 टाइम हो गया है और अभी कुछ ही मिनट्स के बाद ये मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में जो बाय है, मतलब जो खरीदने वाला है, वो यहाँ पर डेफिनेटली कम है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग जो है वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात आती है, जब मार्केट में बाइंग होता है, ज़्यादातर बाइंग होता है, तो क्या होता है, मार्केट अपर सर्किट के ऊपर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब भी सेलिंग ज़्यादा होता है तो यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली डाउन सर्किट में आता है, क्योंकि मार्केट लॉस्ट पर जाता है और आपको लॉस्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए उस ग्राफ्स में आप जाके आप समझाने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं आसान तरीके से आप समझाओगे। तो अब यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मार्केट लॉस्ट में हो गया था, जब 13.95 आ गया था, तब लोग क्या किया, यहाँ पर सब कोई बैठे हुआ था कि जब भी मार्केट डाउन आता है तभी हम यहाँ पर बाई कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा कॉइन मिलेगा कम पैसा में। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन आ चुका था थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मार्केट डाउन हुआ तो तभी क्या हुआ, बाय जो है वो ज़्यादा होने लगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर शेयर खरीदने लगा। तो खरीदने के वजह से यहाँ पर एक बड़ा तेज़ी दिखाई मिल गया, बड़ा अच्छा खासा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गया एक झटका में। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हो 14.50 पर आ गया था, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था उसी लेवल पर आ गया था। तो क्या हुआ, जब देखिए, जब मार्केट में तेज़ी आता है तो ज़्यादातर बाय होने के वजह से वो आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब तेज़ी आया था, अच्छा खासा तेज़ी जब देखने को मिला था, तब यहाँ पर और लोग भी बैठे थे कि कब हमारा तेज़ी आ जाए और कब हम उसको सेल कर दें। और जो लोग यहाँ पर बाय किया था, यानी कि शेयर खरीदा था, वो लोग भी चाहता था कि जब भी मार्केट में एक तेज़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा तभी हम वहाँ जाके सेल कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी मार्केट अपर सर्किट में गया, जब भी एक तेज़ी देखने को मिला अच्छा खासा, तो ज़्यादातर जो बाइंग किया था, जो शेयर खरीदा था, जो इंट्राडे का होता है, ठीक है, वो लोग क्या किया, झट से यहाँ पर तेज़ी आया था और झट से यहाँ पर सेल होने लगा, ज़्यादातर ज़्यादा सेल होने लगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, मार्केट फिर से डाउन सर्किट यहाँ पर देखने को मिल गया, जो कि अभी आप देख रहे हो।
ठीक है। तो छोटा मोटा यहाँ पर देख पा रहे हो मार्केट में चेंजेस, लेकिन यहाँ पर असली जो बात है वो हम यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, आज का मार्केट मतलब जो कि जो डिलीवरी का है, जो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसको अभी कोई फ़ायदा देखने का हमें तो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर चलिए आज बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट अभी आधा घंटा में बंद होने वाला है, तो क्या मार्केट यहाँ पर फिर से अपर चढ़ के जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि मार्केट जिस पे क्लोज हुआ था और आज का मार्केट जितना पे ओपन हुआ था, तो क्लोज के प्राइस है 14.30। तो इससे हमें लगता है इसी सेम जाएगा, नहीं तो इससे डाउन ही रहेगा। आज का मार्केट अपर सर्किट में देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कल का अगर बात करें कि कल का मंगलवार का क्या होगा, तो मंगलवार का भी आपको उतना अच्छा खासा ग्राफ यहाँ पर, जो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ऐसा ही कुछ नज़र आएगा। उतना अच्छा खासा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, अपर सर्किट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलने का चांसेस बढ़ा हुआ है।